हिमाचल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश के नेताओं द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हिमाचल में आर्थिक स्थिति के बदहाल होने का हवाला दिया जा रहा है, जबकि हिमाचल किसी भी तरह के आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहा है। सिरमौर जिले के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के ददाहू में करोड़ों रूपये की लागत से बनी दो पेयजल योजनाओं का उद्घाटन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही है और प्रदेश में चाहे कोई भी सरकार रही हो, इसी तरीके से वित्तीय हालत हिमाचल प्रदेश के भीतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल शांत प्रिय प्रदेश है और प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल के बारे में इस तरह की बातचीत करना उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय स्थितियां हमेशा से ही इसी तरह की रही हैं और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जब वो चुनाव में जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, एक छोटा सा शांत प्रिय प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है उसको लेके बात करना कि हिमाचल ने ये घोषणाएं की हैं, हिमाचल ने, और अभी हरियाणा में भाजपा ने घोषणाएं नहीं की, अभी हरियाणा में भाजपा ने घोषणा की है कि महिला को जो है 2100 रुपया दिया जाएगा। तो जब वो खुद घोषणा करते हैं तब सही है, जब कोई दूसरा दल घोषणा करता है, और वैसे भी अब राजनीति बदल रही है, हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी का युग आ रहा है, राहुल गांधी जी का समय आ रहा है और राहुल गांधी जी विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता बन गए हैं, स्थापित बन गए हैं भाजपा के जोर लगाने के बावजूद। भाजपा ने बहुत पिछले 1-1.5 दशक से बहुत शोर मचा के रखा और राहुल जी के खिलाफ एजेंसियां लगा के रखीं, उनकी कोठी कैंसिल की, उनकी संसद सदस्यता रद्द की, लेकिन उन सब बातों को चीर के जो है वो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता बन गए। भाजपा जो कहती थी कि 400 सीटें आएंगी हमारी, वो 240 पे सिमट गए और वो बहुमत भी हासिल नहीं कर सके। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की और 9 MLAs जो है उन्होंने अपने साथ ले गए वो, और उनका भी उनमें से 6 का भविष्य उन्होंने बिगाड़ के रख दिया। और हम तो 40 थे पहले, आज भी 40 हैं। हिमाचल प्रदेश में एक स्थिर सरकार है, टिकाऊ सरकार है और हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए, कल्याण के लिए, गरीब की सेवा के लिए समर्पित हैं। हम अपनी जो गारंटियां हैं उसको चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। ऐसा है कि पानी का विभाग लगभग 900 करोड़ रुपया प्रदेश में पानी पिलाने के लिए खर्च कर रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश के नेताओं द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हिमाचल में आर्थिक स्थिति के बदहाल होने का हवाला दिया जा रहा है, जबकि हिमाचल किसी भी तरह के आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहा है। पंजाब के सी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।